आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोंडा जिले के तहसील व थाना क्षेत्र तरबगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमथा में कुछ लोगों द्वारा चकमार्ग पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको खाली कराने के लिए पत्रकार शिवराम पांडे लगभग 3 वर्षों से तहसील तरबगंज का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चकमार्ग अभी तक खाली नहीं कराया जा सका। चकमार्ग को खाली कराने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी गोंडा व उप जिला अधिकारी तरबगंज के साथ साथ दर्जनों प्रार्थना पत्र तहसील तरबगंज में दिए, लेकिन अभी तक चकमार्ग को खाली नहीं कराया जा सका। वहीं खाना पूर्ति के लिए राजस्व विभाग द्वारा टीम गठित कर 2 बार पैमाइश कराई गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पैमाइश में तहसीलदार राजस्व विभाग पुलिस बल के साथ मौजूद रहा, लेकिन तहसीलदार तरबगंज और राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते चकमार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका है। आपको बताते चले कि पीड़ित पत्रकार शिवराम पांडे को चकमार्ग खाली न होने से खेतीबाड़ी करने में काफी समस्या हो रही है, क्योंकि उन्हें अपने खेत तक पहुंचने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। रास्ता न मिलने के कारण एक बार खेत में ही उनका पूरा का पूरा गन्ना सूख गया था, जिससे दुखी होकर पीड़ित ने तहसील तरबगंज में कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन तहसीलदार व विभाग की उदासीनता के चलते समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। चकमार्ग को खाली कराने के लिए वर्षों से तहसील का चक्कर लगा रहे पीड़ित पत्रकार शिवराम पांडे ने जब फोन द्वारा तहसीलदार महोदय से चकमार्ग को खाली न करवा पाने का कारण पूछा, तो तहसीलदार महोदय क्रोधित हो गए और पत्रकार शिवराम पांडे पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा लिखाने की धमकी दे डाली। वहीं इस संबंध में पत्रकार मोहनलाल चौहान द्वारा तहसीलदार पैगाम हैदर से जानकारी लेने के लिए फोन से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस प्रकरण में बात करने से मना करते हुए फोन काट दिया। न्यूज 9 भारत के लिए मोहनलाल चौहान की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम शिवराम पांडे है, मैं ग्राम सभा जमथा का निवासी हूँ। मैं विगत कई वर्षों से चकमार्ग संबंधित में अपने चक को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, चकमार्ग जोत लिया गया था, जिससे मैं लगभग जिला अधिकारी तहसीलदार SDM महोदय तमाम प्रार्थना पत्र मैंने दे दिया। आज मेरा पैमाइश 2-3 बार पैमाइश करने चकबंदी विभाग से आए राजस्व कर्मी, लेकिन पैमाइश उन्होंने किया नहीं, वापस चले गए। लगभग 22 तारीख को एक बार पैमाइश हुई, जिसमें पुलिस बल के साथ पैमाइश हुई थी और अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, लोग रजा नहीं थे, इस वजह से पैमाइश आज पुनः फिर से तहसीलदार पैगाम हैदर तरबगंज के द्वारा मौके पर पहुंच करके पैमाइश की गई, लेकिन पुनः उन्होंने अतिक्रमण हटवाया नहीं, अतिक्रमण उन्होंने हटवाया नहीं। जब उन्होंने उनके पास मैंने अभी फ़ोन किया तो पैगाम हैदर ने कहा कि आप इधर उधर से फ़ोन कराते हो, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।